हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन से क्या पता लग रहा है? हीमो स्टैंड्स फॉर समथिंग विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वर्ड जिसमें हीमो लिखा हो इट कंटेन्स हीम पोर्शन. ठीक है, तो जैसे हीमो एरिथ्रिन में हमारे पास इट वॉज अ नॉन हीम प्रोटीन, वैसे ही हीमोसाइनिन भी हमारे पास क्या है? नॉन हीम प्रोटीन. हीमो एरिथ्रिन क्या था? नॉन हीम, नॉन हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. बट हीमोसाइनिन हमारे पास क्या रहेगा? नॉन हीम, नॉन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. ना तो इसमें हीम होगा ना इसमें आयरन प्रेजेंट होगा, स्टिल ये किसमें यूज होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन. इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन. ठीक है, क्या हुआ? लिखो, हीमोसाइनिन इज अ non-heme, non-iron, non-heme, non-iron, and non-cyanide. Cyanide से कभी कभी ऐसे confusion create हो सकते हैं कि शायद इसमें cyanide group हो, पर इसमें cyanide group भी नहीं होता. non-heme, non-iron and non-cyanide containing protein. नेक्स्ट फंक्शन लिखो इसका. इट इज इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन. इट इज इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स. ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में कौन से वो आते हैं? सारे इंसेक्ट्स. ठीक है, बटरफ्लाइज एंड ऑल. और जो मोलस्क्स है उसमें स्नेल्स वगैरह आते हैं, स्नेल्स, स्क्विड्स वगैरह. ठीक है, तो बेसिकली इनमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हीमोसाइनिन यूज किया जाता है. ठीक है, एक्टिव साइट पे क्या प्रेजेंट होगा इसके? कॉपर. इट्स एक्टिव साइट इट कंटेन्स कॉपर इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट. कॉपर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर प्रेजेंट है तो इसमें हाई स्पिन लो स्पिन जैसा कुछ हो सकता है? पॉसिबल नहीं हो सकता है ना. बी नाइन सिस्टम है तो ना इसमें हाई स्पिन होगा ना लो स्पिन, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल होगा. इसका स्ट्रक्चर लिखो. स्ट्रक्चर ऑफ हीमोसाइनिन. एक्टिव साइट में लिखो इट कंटेन्स टू कॉपर आयंस. ठीक है, एक्टिव साइट में दो कॉपर आयंस होते हैं. एंड यहाँ पे नाइट्रोजन और मतलब अमीनो एसिड प्रेजेंट है. कौन सा अमीनो एसिड? हिस्टिडीन. ठीक है, डायरेक्टली हिस्टिडीन के साथ कनेक्टेड है ये वाले, और ये भी नाइट्रोजन हिस्टिडीन, और फिर फर्दर इनका जो हिस्टिडीन ग्रुप है वो आपस में भी कनेक्टेड होता है. ठीक है, बस हमें स्ट्रक्चर जितना जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ बस उतना याद रखो, उतना काफी है. ठीक है, यही से क्वेश्चन आता है कि एक्टिव साइट में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है. आगे फर्दर क्या किसके साथ कनेक्टेड होता है आज तक उस पर नहीं आया. ठीक है, कि कौन सी अमीनो एसिड के साथ कनेक्टेड होता है. आगे और स्ट्रक्चर होगा बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीहीमोसाइनिन. ठीक है, इसका कलर लिखो. कॉपर, एक सेकेंड, ये लिख लिया आपने, इसको ना प्लस, कॉपर को प्लस वन कर दो यहाँ पर. हर जगह ये ऑक्सीहीमोसाइनिन में होता है प्लस टू.
ठीक है। तो कॉपर प्लस वन में अगर प्रेजेंट है तब भी हाई स्पिन लो स्पिन जैसा कुछ भी नहीं होगा, डीटेन सिस्टम ही है वो, ठीक है। पर अगर हम इसकी बात करें, आप सबको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में कुछ आइडिया है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ क्या होता है हमारे पास। देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल बनते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास मेटल सेंटर में प्रेजेंट होगा और उसके सराउंडिंग में इस तरह से 6 लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें 6 के 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली इक्वल होंगे। यही एक्सपेक्ट करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल को, बोलते हैं हाईएस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट ग्रुप, है ना। जैसे कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, दे आर वेरी सिमेट्रिकल। तो सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड्स बिल्कुल सेम होते हैं। हर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में और जिसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पॉसिबल है, उन सब में सारे के सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। जैसे तो अगर मैं बात करूं टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स, टाइटेनियम वनेडियम H2O6 3+, तो इसमें वनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना। तो यहाँ पे क्योंकि वाटर न्यूट्रल है ना, तो वनेडियम का जो बाहर चार्ज गिवन था वही वनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। सिस्टम कैसा हो जाएगा, D2 3 है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे सिस्टम हो जाएगा D2, ठीक है। और अगर मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करूं जिसमें वनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 गिवन है, तो ये सिस्टम कौन सा हो जाएगा, D3। तो ये तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है D3 सिस्टम। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब कि सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है। पर जहां पे D2 सिस्टम आ गया तो उस केस में ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहता। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगा तो मतलब कोई ना कोई मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बाकी के बड़े होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में यहाँ पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आई है बॉन्ड लेंथ में, या इसको हम क्या नाम देंगे, देयर इज सर्टेन डिस्टॉर्शन इन द सिस्टम। डिस्टॉर्शन मींस डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये सिस्टम तो हमारा हो गया परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, व्हेयरएज ये सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल सिस्टम होगा और एक डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल सिस्टम होगा, ठीक है। अब वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है या नहीं। आपको पता है स्प्लिटिंग होती है हमारे पास, है ना, डी ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल में, T2G सेट बनता है और EG सेट बनता है। अगर मैं बोलूं मेरे पास D3 सिस्टम है, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आप देखो ये मेरे पास जो T2G सेट है और एक मेरा EG सेट, क्या हमारा T2G सेट सिमेट्रिकली फिल्ड है? सिमेट्रिकली फिल्ड कब करेंगे, तीन ऑर्बिटल्स को कंपेयर करो तीन बॉक्स के साथ, ठीक है। तीन बॉक्सेस हैं, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, किसी में कम नहीं है किसी में ज्यादा नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। जब तक तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तब तक तो सिमेट्रिक जो आपका ऑक्टाहेड्रल है वो कैसा बनेगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। जब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं रहेगा तब वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं D5 सिस्टम की बात करूं, क्या ये सिमेट्रिकल होगा? D5 में फिर आपको बताना पड़ेगा हाई स्पिन है या लो स्पिन, तो ये कैसा है, सिमेट्रिकल, है ना। अलग अलग देखो, T2G में तीन बॉक्स है, तीनों कंप्लीटली फिल्ड है, सॉरी तीनों हाफ फिल्ड है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकली फिल्ड है। फिर EG को अलग से चेक करो, EG में दो ऑर्बिटल्स हैं, दोनों हाफ फिल्ड है, ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड है। तो T2G अलग से सिमेट्रिकली फिल्ड है, EG अलग से सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो दैट मींस सिस्टम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल रहेगा। अगर हम D4 हाई स्पिन की बात करें, वो कौन सिमेट्रिकल, उसमें T2G तो सिमेट्रिक है पर EG अनसिमेट्रिक है, तो फिर उसमें डिस्टर्बेंस आएगी फॉर श्योर, तो दैट वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल सिस्टम नहीं रहता, ठीक है। ऐसे ही D4 लो स्पिन की बात करें तो वो भी अनसिमेट्रिकल हुआ, है ना। उसमें तीन बॉक्स है, एक बॉक्स में तो दो इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी के हाफ फिल्ड है, तो दैट इज ऑल्सो अनसिमेट्रिक। तो जहां पर भी चाहे T2G चाहे EG दोनों अलग से क्या हो, अनसिमेट्रिकली फिल्ड, तो वो हमारे पास डिस्टॉर्शन लेके आता है सिस्टम, ठीक है। अभी अगर हम कॉपर प्लस, इसमें क्या था, कॉपर प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें हमारे पास क्या होगा, कॉपर प्लस वन D10 सिस्टम है। D10 सिस्टम कैसा होगा, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा। तो ये जो हमारे पास कॉपर प्लस वन है ये कैसा होता है, इट इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल सिस्टम, ठीक है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल सिस्टम होता है इस केस में, ठीक है। एक आपका नाइट्रोजन, आपको यहाँ पे तीन दिख रहे हैं ना नाइट्रोजन हिस्टोमिक बॉन्ड्स, एक पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो बैक साइड पे प्रेजेंट होगा, वो हम शो नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया हमारे पास इस केस में, तो ये कैसा होगा हमारे पास, परफेक्ट टेट्राहेड्रल सिस्टम,
ठीक है, डी ऑक्सी हिमोसाइनिन के केस में। क्लियर है, इसको लिख लो कॉपर प्लस वन डी टेन सिस्टम, इट इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल। ठीक है, दूसरा यहां लिखो कॉपर अगर प्लस वन सिस्टम में है तो ये हमारे पास डी टेन सिस्टम हो गया। क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायनेटिक। ठीक है, सिस्टम विल बी डायमैग्नेटिक। अब कल मैंने आपको बताया था रीजन ऑफ कलर इन कंपाउंड्स क्या था? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, है ना। तो अगर हम डी और यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, कॉपर प्लस वन सिस्टम में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल है, तो पहले नीचे कौन सा सेट आएगा? ईजी ई, है ना, ऊपर टी टू। क्या यहाँ पे कोई ट्रांजिशन पॉसिबल है लोअर से हायर एनर्जी लेवल पर? वाई नो, है ना, ऊपर स्पेस ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ एक्साइट हो, ऊपर कोई ऑर्बिटल वेकेंट बचा ही नहीं है, तो दैट मींस यहाँ पर कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल ना होने की वजह से फिर ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो डीऑक्सी हिमोसाइनिन इज कलरलेस। डीऑक्सी हिमोसाइनिन इज कलरलेस ड्यू टू नो डी टू डी ट्रांजिशन। इट इज कलरलेस ड्यू टू नो डी टू डी ट्रांजिशन। देखिए अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। अगर हम अभी तो मैंने किसका ड्रॉ किया? डी ऑक्सी हिमोसाइनिन। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ऑक्सी हिमोसाइनिन के लिए। ठीक है, तो ऑक्सी हिमोसाइनिन के केस में हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन आके अटैच होगा, है ना। ऑक्सीजन मतलब दो ऑक्सीजन के एटम्स, है ना। किस तरह से अटैच होते हैं ये? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में दो बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे। इसके ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो किसके साथ बनेंगे? कॉपर के साथ। फिर इस ऑक्सीजन के भी बॉन्ड्स किसके साथ बनेंगे? कॉपर के साथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? देखो हम ऑर्गेनोमेटालिक्स में ये वर्ड पढ़ते हैं ईटा टू। ईटा टू का मतलब क्या होता है? हैप्टिसिटी टू। जैसे कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप डेंटिसिटी वर्ड सुनते हो कि कितने डोनर एटम्स अटैच हो रहे हैं ना, वैसे ही वहां पे हैप्टिसिटी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन एटम है वो दो कॉपर एटम्स के साथ अटैच्ड है, इस वजह से हम इस पे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ईटा रेज टू पावर टू। और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? दो, है ना, ईटा टू ऐसे लिखोगे। ठीक है, और ये पहले सुन लो, दोनों ऑक्सीजन आइटम दो पता लग गया, ईटा टू दो बार क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास एक ईटा टू लिखने का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन दो कॉपर एटम्स के साथ अटैच्ड है। ठीक है, कैसे अटैच्ड है? ब्रिज बना रहे ना, ये ब्रिज के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? म्यू, है ना। तो आप इसको लिखोगे म्यू ईटा टू पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, म्यू ईटा टू पर ऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन ऑक्सी हिमोसाइनिन। और देखो ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं, है ना, नाइट्रोजन हिस्टामिन के बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन इंसर्ट होगा बीच में, दोनों ऑक्सीजन आटम